तो आजकल युवा बात बात पर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी के ऊपर एक व्यंग कविता है। वह एक बार जीवन से हार आत्महत्या के लिए हो गया तैयार। वह एक बार जीवन से हार आत्महत्या के लिए हो गया तैयार। रेलवे स्टेशन से दूर डिप्रेशन में चूर रेल पटरी पर लेट करने लगा वेट। रेल पटरी पर लेट करने लगा वेट, परंतु ट्रेन थी 4 घंटे लेट। परंतु ट्रेन थी 4 घंटे लेट, अतः वह घर लौट आया था रेलवे टाइम टेबल पर विश्वास कर बहुत पछताया। दूसरी बार उसने फिर किया प्रयास, 5 मंजिली बिल्डिंग से कूद गया अनायास। दूसरी बार उसने फिर किया प्रयास, 5 मंजिल बिल्डिंग से कूद गया अनायास। आँख खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ा था। आँख खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ा था। एक विशेषज्ञ डॉक्टर उसके सामने खड़ा था। एक विशेषज्ञ डॉक्टर उसके सामने खड़ा था। कुछ और होश में आने पर उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? कुछ और होश में आने पर उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? डॉक्टर ने उत्तर दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे शुभ कर्म ही काम कर गए हैं, परंतु जिनके ऊपर तुम गिरे थे वो तीनों ही मर गए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे शुभ कर्म ही काम कर गए हैं, परंतु जिनके ऊपर तुम गिरे थे वो तीनों ही मर गए हैं। तीसरे प्रयास में नदी के पास में पुल के ऊपर लगी रेलिंग को लांघ उसने नदी में लगा दी छलांग। नदी में पानी कम था, उसे बच जाने का फिर गम था। चौथी बार वह जहर पी गया था, किंतु जहर में मिलावट थी, अतः फिर जी गया था। अंतिम प्रयास में उसने नया तरीका लिया निकाल, वह गले में फंदा डाल सरकारी मकान की छत के कुंडे से लटक गया। अंतिम प्रयास में उसने नया तरीका लिया निकाल, वह गले में फंदा डाल सरकारी मकान की छत के कुंडे से लटक गया। पर वह हैरान था जब उसने देखा कि वह कुंडा ही निकल गया। मित्रों, यह अजीब इत्तेफाक है या कलयुग का श्राप है? मित्रों, यह अजीब इत्तेफाक है या कलयुग का श्राप है? यहाँ जो मरना चाहता है बच जाता है, यहाँ जो मरना चाहता है वह बच जाता है, और जो जीना चाहता है वह मर जाता है।